क्या बच्चों को या फिर अडोलसेंट्स को, किशोर अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चों को और अडोलसेंट्स को सेक्स एजुकेशन अगर पेरेंट्स प्रोवाइड करें तो क्या वो सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़ावा दे देते हैं? और क्या बच्चों को और अडोलसेंट्स को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमारे देश में, इंडिया में, और इवन जो पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इवन श्रीलंका हो गया, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह सबसे सिंपल ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको शर्म फील होती है, उनको खुद से अजीब सा फील होता है कि बच्चों से इस टाइप की बातें कैसे की जाएँ। और दूसरा रीज़न ये भी होता है, कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो बच्चों को सेक्स के बारे में बताने लगेंगे तो कहीं वो बच्चों को सेक्स के बारे में सिखा ना दें और उनकी बातें सुन के बच्चे बाहर जाके सेक्स के बारे में या सेक्स करने का कोशिश ना करने लगें, या फिर पेरेंट्स को डर लगता है कि सेक्सुअल बिहेवियर को वो बढ़ावा ना दे दें गलती से, और इस वजह से वो चुप रहते हैं कि अगर वो नहीं बताएंगे तो बच्चा कहीं से सुनेगा भी नहीं और उनका बच्चा इन सब चीज़ों में जाएगा भी नहीं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? अभी देखिए, एक स्टडी हुई थी जिसमें कई सारे देशों में देखा गया था कि सेक्स एजुकेशन के रिजल्ट्स क्या आते हैं, और जो रिजल्ट्स थे वो बहुत क्लियर कट थे। ऐसा पाया गया था कि अगर सही उम्र में सेक्स एजुकेशन दी जाती है तो उसे चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अगर सेक्स एजुकेशन में बच्चों को समझाया जाए कि तब तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जब तक आपका शरीर उसके लिए तैयार ना हो, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अगर इस टाइप की चीज़ें भी सेक्स एजुकेशन में जो कि दी ही जाती हैं वो बताई जाएँ, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बताई जाएँ और सेक्स के बारे में जो भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, उन सबको बताया जाए, तो चार चीज़ें होती हैं। पहली ये कि जो ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है वो देर से होती है, कम उम्र में करने की जगह बच्चे जो हैं या फिर जो किशोरावस्था में जो पहुंच रहे हैं लोग, जो अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो देर से शुरू होती है, लेट एज में शुरू होती है। सेकेंड, ऐसा भी पाया गया है कि जिन बच्चों को और जिन अडोलसेंट्स को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाती है उनमें सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी भी कम रहती है, वो कम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। तीसरा, जो डेंजरस बिहेवियर हैं जैसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, वो भी कम हो जाता है अगर सेक्सुअल एजुकेशन दी जाए। और चौथा, जो सेफ सेक्स बिहेवियर्स हैं जैसे कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना, वो सब बढ़ जाता है अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाए। तो हालांकि ये सारी फाइंडिंग्स ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री से पाई गई हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी जनरलाइज्ड हैं, आप उनको किसी भी देश में लागू कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका बच्चा 15 साल का है, 16 साल का है या 17 साल का है, अब आपकी नज़र में वो बच्चा है और चाहे आप उसे सेक्स के बारे में बात करें या ना करें, उसके मन में तो क्यूरियोसिटी है ही है, उत्सुकता है ही है, वो तो जानना चाहता है सेक्स के बारे में। और अगर आप उससे बात नहीं करेंगे या फिर टीचर्स उससे बात नहीं करेंगे तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? वो या तो जाके अपने दोस्तों से बात करेगा जो कुछ भी उल्टा पुल्टा सिखाएंगे उसको, या फिर वो जाके इंटरनेट पे पढ़ने की कोशिश करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत दी गई होती हैं और गुमराह करने के दी गई होती हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद एक ऐसा अडोलसेंट जो 15, 16, 18 साल का है, जिसको सेक्स के बारे में उत्सुकता तो है, क्यूरियोसिटी तो है, पर उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, वो कई बार ऐसे बिहेवियर्स में चला जाता है जो कि उसके लिए भी ख़राब हो सकते हैं, पार्टनर के लिए भी ख़राब हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ के लिए भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये बात हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि एज अ पेरेंट स्पेशली हम लोगों के कल्चर में सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन ना बात करने का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मेरी सलाह, अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर अगर आप एक पेरेंट नहीं भी हैं, अगर आप अभी खुद यंग हैं बट आपसे कुछ साल बाद पेरेंटहुड में पहुंचेंगे, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक सही सोर्स इन्फॉर्मेशन का आप बन सकते हैं। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो जनरेशन बड़ी हो रही है, उसको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो गलत चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है मी सॉल्व्स का और सेक्सुअल सॉल्व्स का, इसको सिर्फ बनाया इसीलिए गया है ताकि सेक्स के बारे में, सेक्सुअल बीमारियों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। और अगर आप कोई कंटेंट पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।